सामने उपस्थित तमाम ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आप सबको आज के इस शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी गुरुजी ने जो कहा कर्मोन्नति की बात, अगर ऐसी शर्त हो कि अमरपुरा और आसन में से एक कर्मोन्नत होगा तो मैं आसन के साथ हूं। मैं कह दूं कभी आसन को कर दो, सड़क से दूर गांव है, ज्यादा दूरी बच्चों को तय करके जानी पड़ती है, ये बच्चे भी हमारे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 के अंदर हम स्कूल में कबड्डी खेल रहे थे, 15 अगस्त की बात थी, स्कूल स्टाफ आ गया, सुमन जी भी उनमें शामिल थी, हम जल्दी से कपड़े पहन के वहां से चलने लगे कि आज तो धूप ज्यादा होगी, दिन ही निकल गया बिल्कुल। तो इन्होंने कहा 15 अगस्त है, आ जाइयो। मतलब इतनी उदासीनता थी कि हम सबको ये नहीं पता था भी आज 15 अगस्त है, क्योंकि कोई चर्चा नहीं थी, बच्चे 15 थे और गांव के आदमी भी 15-20 स्कूल में आते थे। उस समय हमने सोचा भी चलो मिट्टी में भरे पड़े, थोड़ा स्कूल की सफाई करते। हमने वहां झाड़ू झूड़ू लगा के, मेज वगैरह लगा के इनको दे दी कि जिलो 15 अगस्त आप मना। बाद में हम भी वापिस आ गए तो हमने जो देखा था कि बच्चों की संख्या वास्तव में चिंता का विषय, तब हमने प्रण लिया था कि हम इस स्कूल के लिए कुछ ना कुछ सब साथी मिलके करते हैं। और मैं आज जो युवा साथियों ने जो प्रयास किए, ये देख के मेरे को वो दिन याद आ गया कि निश्चित रूप से आसन का स्कूल कर्मोन्नत हो जाएगा, निश्चित रूप से इस स्कूल का कायाकल्प होएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो उस दिन प्रण लिया 15 अगस्त के दिन, आके जब 26 जनवरी आई, गांव में हमने कार्ड बंटवाए, सुमन जी गवाह थी उस समय भी, कि सारे गांव को स्कूल में आना है, बच्चों को 15 दिन बढ़िया तैयारी करवाई। बच्चे हालांकि थोड़े ही थे लेकिन बच्चों में प्रतिभा थे, उन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छा तैयार किया, विद्यालय स्टाफ ने बड़ी मेहनत करी। एक हम कलाकार लेके आए थे बाहर से, हरियाणा से, कोई बच्चों को डांस सिखाने के लिए, तो गांव में चर्चा कर दी भी, बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम है, गांव आ गया सारा। मेरे को माइक दे दिया, मैं बोला कि स्कूल की जो दुर्दशा है उसके जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग हैं। गांव में बच्चे किसके हैं? हम सब के ही है। स्कूल की जो वैन भर भर के जाती है गांव से, वो किसकी जाती है? अपने बच्चों की जाती है। और अगर कोई ऐसा हो कि जहां स्कूल किसी प्राइवेट में भेज दिया और वो बच्चे की 100% ये गारंटी लेता हो कि भी मैं तो इसका भविष्य सुनहरा कर दूंगा, तो भेजो, नहीं तो ये विद्यालय स्टाफ है, ये भी बहुत काबिल है। 2004 की भर्ती के बाद जो ये बच्चे लगे हैं, जगदीप लगे है, सुमन जी लगी है, सुजीत लगे है, और बहुत से जो लगे, इनकी काबिलियत में किसी को शक है क्या? ये बच्चे तो काबिल हैं, इसीलिए लगे हैं। तो गांव वालों ने बात मान ली और बोले जी हम बच्चे भेज देंगे, शुरुआत कौन करे? मैं बोला शुरुआत मैं करूंगा। उस समय मेरा बेटा पढ़ता था स्काईविंग स्कूल में, चौथी क्लास में। मैं टीसी कटवा गया और हेडमास्टर जी को दे दी कि ये लो जी आप नामांकन करो और सारे जने चलो गांव में, घर घर जाएंगे, सबको कहेंगे अपने अपने बच्चों का एडमिशन अमरपुरा के सरकारी स्कूल में करवाओ, बच्चों की शिक्षा में कोई कमी रहे तो हम जिम्मेदार हैं। तो साहब उसी साल हमने कोई प्रतियोगिता करवाई, उसमें 50-60 हजार रुपए बचा के स्कूल में फर्नीचर ले आगे दिया। बाद में भामाशाह साथ में स्कूल में कैमरों की व्यवस्था की, बाद में गांव के युवा साथियों ने मिलकर स्कूल में पौधे और पार्क की व्यवस्था करी, बाद में मिलकर हमने 4 स्टाफ और रखे, 5 स्टाफ जो गवर्नमेंट का वहां उपस्थित था, 9 अध्यापक हो गए। गांव वालों को विश्वास हो गया भी अब की बार पढ़ाई अच्छी होगी। आप यकीन मानोगे 35 बच्चों से उसी साल छात्र संख्या 120 हो गई थी गुरुजी, अमरपुरा स्कूल की, सुमन जी गवाह बैठी, 120 बच्चे हो गए थे 35 से। और विद्यालय ने इतनी जबरदस्त पढ़ाई करवाई, जिस स्कूल में हमें यह नहीं पता होता था कि अच्छे नंबर लेने पे क्या मिलता है, उस साल 3 बच्चों ने तो लैपटॉप लिए, 8वीं क्लास के बच्चों ने। उसी साल वो जो NMMS की परीक्षा होती है, 4 बच्चों को उससे छात्रवृत्ति शुरू हुई, जो आज तक उनको 24-24 हजार रुपए प्रतिवर्ष मिल रही थी। उसी साल 2 बच्चों का नवोदय में एडमिशन हुआ। तो तब हमें समझ में आया कि अगर मेहनत कोई करता है ना, तो उसका निश्चित रूप से फल मिलता है। उस समय हम लगातार जो 4 स्टाफ दिया था उसको तनख्वाह देनी पड़ती थी, पैसे की भी खींचतान हो गई थी। दूसरा, फिर कुछ समय के बाद जो कोई काम करता है रुचि कम हो जाती है, तो थोड़ी हमारी भी रुचि 2-3 साल बाद निकम्मी हो गई।
उसके दोषी हम खुद हैं कि आज वहां संख्या 80 बच्ची है। अगर वो रुचि लगातार रखते निश्चित रूप से स्कूल कर्मोन्नत होता, लेकिन इतना मैं अब भी कहूंगा कि शिक्षा का सत्र हमने कम नहीं होने दिया। हम लगातार विद्यालय स्टाफ के संपर्क में रहे। बच्चों की संख्या घटने का दूसरा कारण एक और था। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारी गलतियों से आप सीख लें ताकि वो गलतियां आपको सामना ना करना पड़े। बच्चों का एडमिशन करवा दिया, दूसरे दिन घर पे कोई आई और पार्स कहा है का काम पे गया, बोले बात कराओ। घर वालों ने फोन मिला के दे दिया, बोले वो पाड़ा 2818 लिख रखे मास्टर खड़ू ले आई है। इतनी गोर अगर प्राइवेट स्कूल में भेज के आप कर लिया दिक्कत को नहीं के बाई चांस दोगा पाड़ा जन टीचर डालिया 2818 और 2918 लिख दिया और वह एक गलती पकड़ के रोला मचा दिया। घर का बोले यो काम छोड़ दे मारू रोज की पंचायती कौन पार पड़े। मतलब कमी ढूंढनी अभी सा था को नहीं का कोई स्कूल में जो टीचर बन दोगा पाड़ा आया को नहीं है। कई बार ध्यान भटक कर एक कॉपी के अंदर मिस्टेक होगी रोला गाल लिया। मतलब इसी कोई छोटी सी चूक पा जाए स्कूल की कन्ना मारे भी टीसी कटा मारन खराब करेगा। जबकि मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि मैं बेटे को स्काइविंग स्कूल से लेके आया, आज तक वो सुरतपुरा के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मेरे को कभी ये अपमान फील नहीं हुआ कि बेटा सरकारी स्कूल में जा रहा है, जबकि चौथी क्लास तक एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो रो के स्कूल ना गया और 20 रुपए दे के स्कूल रोज ना भेजना पड़े एक भी दिन। और आगे बोले मेरे वन मारी मेरे साथ वन करी खब्बी वन ये करया, अब जावे आराम हूं 1% ही कोई दिक्कत को नहीं, बहुत बढ़िया तरीकों स्कूल गए। अध्यापक भी ये माने कभी कबीर है, अनुशासन में भी है और पढ़ाई में भी ठीक है। चलो तो मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों की संख्या बढ़ाओ, नहीं तो चाहे एमएलए जोर मार ले स्कूल कर मन तो कोनी हुआ झूठी बात हम किमी कौन पढ़िया। मैं तान मारिया लिखे दे दिया एमएलए साहब, आगे गए बोले बच्चे तो 8वीं 8 ही है, बच्चों की संख्या करो। तो सभी ग्रामवासियों से मैं दो ही निवेदन करूं, एक तो ये युवा साथी आज जो लगन कर रहे हैं ना, एक तो आप इस लगन को बरकरार रखो। क्यों कि जब हम संगठित होते हैं कोई काम शुरू करते हैं ना, बाद में व्यवधान आता है। व्यवधान इसलिए आता है कि पूरी तहसील का जो जिम्मा है वो अपने ही ऊपर है। अभी लाला के मन में यार है अभी तहसील में राजनीति मेरू चल रहा है, मेरे यार है मेरू चल रहा है, दूसरे का यार है मेरू चल रहा है। वह सारी चीज छोड़ के स्कूल में साफ मनु आओ, स्कूल में सहयोग करो, सारा साथी मिलके बच्चा की संख्या बढ़वाओ और अध्यापक भी आप सहयोग करो। जो अध्यापक कोई कमी है तो इतना बामा से वह मिल गया, टीचर की व्यवस्था करो, क्योंकि बच्चा में एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन एडमिशन हो बच्चा अगर शिक्षा का सत्र बरकरार नहीं रहा नहीं तो लोग टीसी भी कटा ले जाएगा। तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप करो प्रयास, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और नामांकन संख्या ज्यादा रहेगी तो हम पैर भी करेंगे स्कूल कर्मोन्नति की, नामांकन संख्या बढ़ाओ। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत।